नमस्कार, मेरा नाम है छोटन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं तिलौथू प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान यहाँ तिलौथू प्रखंड में होना है, जो 25 तारीख से यहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू थी। आज नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है। नामांकन प्रक्रिया का पहला और दूसरा दिन, दो दिनों में 775 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किए हैं। तो आइए, आज जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन करा के बाहर आते हैं, हम उन सभी प्रत्याशियों से बात करेंगे। और आपके पहले भी दो दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन करा चुके हैं। एक मुखिया 15 साल से मुखिया चला चुके हैं, रह चुके भी हैं। और दूसरा जो प्रत्याशी आपके हैं वो कई वर्षों से पैक्स अध्यक्ष हैं। उन दो दिग्गज प्रत्याशियों का आप कैसे टक्कर दीजिएगा? वो दोनों आदमियों को जो पहले रह चुके 15 साल, जो 5 साल से और किसी पद पर हैं, कोई 5 साल पहले और एक बार रह चुका है, वो सभी लोगों को जनता नकार चुकी है। और सुनील सिंह नहीं, इंद्रपुरी की जनता चुनाव लड़ रही है और वो दोनों लोगों को नकार चुकी है, इसलिए कि वो दोनों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। धन्यवाद मिलता है अगर वो पैक्स वो अपना पैक्स का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। और जो मुखिया पद पर हैं तो वो क्या करते हैं जनता सब जानती है और सब देख चुकी है। और जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी लोग देख चुके हैं, इसलिए उनको जनता नकार चुकी है और उन लोगों के आने का कोई उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं। सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, इंद्रपुरी पंचायत के प्रति आपका क्या मैसेज? इंद्रपुरी पंचायत की जनता मुझे अगर आशीर्वाद देती है, मैं मुखिया बनता हूँ तो मेरे जी में भ्रष्टाचार से धूप आ रहा है, इधर से लेना। दूसरा चीज कि नली गली जो सारी समस्याएं हैं, जो किसी मैप के अनुसार नहीं बना है, कहीं आठ कहीं खाद, उस सभी लोगों को नली नहीं पंचायत में नाला की जरूरत है। और उस नाला का पानी बड़ी नदी यानी सोन नदी में जाकर गिराना पड़ेगा। और इंद्रपुरी में जरहा में विक्रम बिघा में ये दो जगह शमशान घाट की जरूरत है, जो हमारे पंचायत में नहीं है, जो मुखिया के कर्तव्य से या मुखिया के पावर से हट के उन सब काम करेंगे। इंद्रपुरी पंचायत में इंद्रपुरी अच्छी हम लोग के यहाँ पार्क भी चुका है, वहाँ हॉस्पिटल जो उपकेंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था है। जिस दिन पंचायत मुखिया बनेंगे हम, उसके एक महीना का फ्री कॉस्ट एम्बुलेंस की सेवा होगी, जो शिक्षा में भी एजुकेशन जो हुआ, जो स्तर हमारा पंचायत का बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने की कोशिश, गरीबों की मदद, जो एथलेटिक्स लोग हैं उनकी मदद, हर तरह से पंचायत को सुदृढ़ बनाना है। और हमारा सपना है कि कम से कम बिहार में तो नहीं, लेकिन ये अगले 5 साल में अगर मुखिया बनते हैं तो रोहतास में इंद्रपुरी पंचायत को नंबर 1 नामांकन किए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? दीपक कुमार सिंह। किस पंचायत से? इंद्रपुरी पंचायत से। किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या 10 से। वार्ड संख्या 10 से आप जीतते हैं तो आपका सबसे पहले वार्ड में विकास के लिए कौन सा काम कीजिएगा? सबसे जरूरी जो इस समय विकास की जरूरत है उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब शिक्षा अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ भी विकास असंभव है। तो पहले शिक्षा पे हमें ध्यान देना है। अगर शिक्षित रहेगा तो ही लोग कहीं भी काम कर पाएगा, कमा पाएगा, खा पाएगा। तो पहले तो मुझे शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, अच्छे से अच्छे शिक्षा का व्यवस्था कराना है और लोगों को रोजगार दिलवाना है, चाहे घर पे ही हो या बाहर में जहाँ वो जाते हैं वहाँ भी उनकी रोजगार की व्यवस्था कराना है और शिक्षा की व्यवस्था कराना है। उसके बाद हम आएंगे गली नली और साफ सफाई पे, क्योंकि साफ सफाई से ही जो है रोग से आदमी मुक्त होता है। तो साफ सफाई भी जरूरी है, शिक्षा और रोजगार के साथ साथ साफ सफाई पे भी हमें गली नली पे भी। पंचायत से आए हुए हैं सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम लाल मोहन कुमार हुआ। किस पंचायत से हैं? हम चितौली पंचायत नया गाँव से। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? वार्ड के लिए। कितने संख्या से? वार्ड संख्या 3। यदि वार्ड संख्या 3 से आप जीत जाते हैं तो वार्ड में आपके विकास के लिए सबसे पहला काम कौन सा होगा? सबसे पहला काम विकास का काम होगा, और वो विकास के काम में है कि नली गली का जो काम है सबसे पहले करना है, करवाएंगे। ठीक, उसके बाद? उसके बाद और जो भी है, जितना मतलब अनदेख में हमारे नज़र के सामने जितना भी आएगा हम सबको कर लेंगे, सब कराएंगे। आपके यहाँ आपके वार्ड में नल के जल अभी तक मिल पाया है या नहीं? नहीं, वो मिल गया है। मिल गया है।
तो फिर दूसरा विकास का काम आपका विकास वही नली और गली का अभी तक विकास नहीं हुआ है हमारे अभी तक कोई अभी तक हमको नज़र से देखने में चितौली पंचायत में कोई ऐसा गांव नहीं है कि मतलब अभी तक उस गांव में नली रोड का मतलब काम नहीं हुआ है। अच्छा नया गांव ऐसा गांव है कि काम नहीं हुआ कि काम हुआ है सब काम हो गया लेकिन नया गांव ऐसा है कभी तक काम नहीं हुआ है वार्ड संख्या 3 में। मतलब आपका जो चितौली पंचायत के वार्ड है वो सबसे पीछे है। हाँ पीछे है। तो आप इसके पहले भी कभी पंचायत चुनाव लड़ रहे थे कि पहली बार लड़ रहे हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। पहली बार लड़ रहे हैं। तो यदि जीतते हैं तब का सबसे पहला विकास का काम वही है नाली गली का। हाँ ठीक है ओके धन्यवाद सर। तो आज हम लोगों ने जाना लौतु प्रखंड के तीसरे दिन नामांकन के प्रत्याशियों के विचार जो आज नामांकन करा करके बाहर आ रहे हैं उन सभी प्रत्याशियों का हम लोगों ने विचार जाना। उसी तरह से नामांकन जो अगले दिन इसी तरह से नए प्रत्याशियों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।